हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। अब यहाँ पे नाम से डिफाइन हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो टू वर्ड से मिलकर बनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। इन दो वर्ड से मिलके हमारे पास क्या बनी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमें पता है कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता है? किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जैसे कि अब हम एग्जांपल देखें तो एमएस वर्ड हमारा सॉफ्टवेयर है, वो हमारे पास उसका क्या स्पेशल पर्पस है? एमएस क्यों बनाया गया था? एमएस वर्ड किस लिए बनाया गया था? एमएस वर्ड रिटन वर्क परफॉर्म करने के लिए, ताकि हम कुछ भी नोट्स वगैरह उसमें बना सकें। ठीक है, अब देखा जाए तो एमएस वर्ड है, उसमें हम रिटन वर्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम उसमें वीडियो प्ले तो नहीं कर सकते। इसी तरह से जो रियल सी वीडियो प्लेयर है उसमें हम वीडियो प्ले कर सकते हैं पर एडिटिंग नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होता है वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड। सॉफ्टवेयर हमें पता है क्या होता है? सॉफ्टवेयर सेट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कलेक्ट करके, उनके सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कार्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इट मीन्स कि जब किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। फिर आता है हमारे पास इंजीनियरिंग क्या होती है। इंजीनियरिंग में क्या है हमारे पास? एक तरह से साइंस है जिसकी हेल्प से जो ह्यूमन नीड है वो अपनी कोई भी नीड है उसको, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन करवाती है। तो इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग product using well defined
प्रिंसिपल एंड मेथड। तो इसमें क्या है, जो इंजीनियरिंग हमारे पास होती है इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, नॉलेज यूज करके, अपनी नॉलेज यूज करके, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको यूज करके हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। अब हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है और इंजीनियरिंग क्या है, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए डिसिप्लिन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सेटिस्फाई on the time, on time and within budget। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट करना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना जो फॉल्ट फ्री हो, जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो और जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, जो भी यूजर की कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए वो बनाया गया हो एंड जो डिलीवर हो टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट मंथ, अगर कस्टमर है वो नेक्स्ट मंथ चाहता है अपना सॉफ्टवेयर और आप उसको 1 ईयर बाद दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद इन टाइम, मतलब टाइम डिलीवर होना चाहिए सही टाइम पे और जो उसके जो कस्टम के बजट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, उसका कॉस्ट ज्यादा ना हो, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग हो, फॉल्ट फ्री हो, ठीक है, गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होता है तो कस्टमर को एक गुड गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया जाए, उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।